हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए, लेके आ गई हूँ सेकंड पार्ट। तो आप लोगों ने बहुत ही प्यार सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहेगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट है यहाँ से नेक्स्ट पार्ट का। भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान, पास हो गया मेरा बेटा, लेकिन पापा का स्टाइल बना देना। पापा अपना नमक लेके बेटा, जब गल उल जाता है तो चम्मच और डालिए। हाँ बस रन दी, बाकी गरम मसाला का पाउडर और यहाँ पे पड़ रहा है खड़ा लहसुन। हाँ पड़ा है, ये से गल जाएगा तब अच्छा रहेगा। वही कलछुल डालो, कलछुल से डाली निकल निकल इससे। हाँ ऐसे धीरे धीरे पसार पसार के। हाँ वो जला दे लाइट। हाँ सब चीज़ लाइट जलाना चाहिए, अच्छा रखें यहाँ पर। हाँ ऊपर से दिखा, पानी नहीं डालिएगा, नहीं पानी नहीं डालिएगा पापा। पानी क्या हुआ, थोड़ा बहुत चलता है। साइड करी साइड। हाँ कौन सा सीक्रेट मसाला है क्या? हाँ हमारा सीक्रेट मसाला ये तो है एवरेस्ट मसाला। और ये क्या है? ये गाइस मम्मी और पापा का सीक्रेट मसाला है। पता नहीं कौन कौन ये आप लोगों को वो बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में पूछना पड़ेगा तभी आपको बताया जाएगा। और जानने के लिए पूरा ब्लॉग आप लोग देखिएगा तभी पता चलेगा मेरे पापा का मटन बनाने का तरीका। लहसुन और अदरक का पेस्ट, सब मसाले डाल दूं जो मम्मी ने कूटा है? सब डाल दे, भुजभुजाने दे। और ये पड़ा सीक्रेट मसाला और एवरेस्ट मसाला, सब डाल दिया मसाला। हाँ सब डाल दिया, दोनों पैकेट आग में डाल दो सही रहता है। अब इसको कितने देर तक भूजना है पापा? एक घंटा। घंटा भूलेगा तब मकरा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स एक घंटा वैसे ही धीरे आंच में आग में लकड़ी के आग में ये भुनेगा। आखिरकार सभी ने अपना ज्ञान बांट लिया, पापा को अपने तरीके से खाना नहीं बनाने दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये मटन तो और टेस्टी बनेगा जब सबका ज्ञान इसमें मिक्स है। तो चलिए, हर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता ही है। मटन खुशबू, धुआं से कुछ दिख ही नहीं रहा है। वेरी वेरी टेस्टी। वाह एकदम मस्त हो गया ना। फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। ये हम लोग दो दिन पहले का इडली रखा हुआ था फ्रिज में। और जानते हैं हम लोग कुछ फेंकते नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं फेंकती, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो बासी चीज़ें। तो मैंने क्या किया, उसको चावल के ऊपर रख दिया और देखिए इतना अच्छा हो गया। आपको दिखाती हूँ, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, आप देख सकते हैं देखिए एकदम ताज़ा हो गया है। लग चुका है कुकर में, ये देखिए आप देख सकते हैं पूरा कुकर काला हो गया है। अभी कितना टाइम लगेगा पापा? और 20 मिनट लगेगा और बन जाएगा मटन। होने जा रहा है सत में रहना आटा का रोटी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स खाना हो चुका है, सब खाना खा रहे हैं। चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है। कौन खा रहे हैं? अरे वाह यार खाना स्टार्ट हो, कैसा बना है? वीडियो काटना पहले। खाना खा लिया, कैसा लग रहा है? नहीं डालेंगे तो हलवा बन जाएगा। तो क्या हुआ, इतना बना था, खुद बना के खाना है? था मेरे को आता बनाने, मैंने बनाया भी है। लोग खाना खा चुके हैं, वहाँ पापा खा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं और यहाँ मेरा खाना। देखिए तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं रोटी कैसे खा रही हूँ। तो आज फ्रेंड्स चावल बहुत ज्यादा गीला बन चुका है, आज मैं रोटी खाने वाली। हाँ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने ही बनाया है, बहुत ही खराब बन गया। चलिए कोई नहीं, लेकिन मटन बहुत टेस्टी बना है, मैं आपको खा के दिखाती हूं। आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स, चलिए खाते हैं, चलिए खा के मिलते हैं। मम्मी मटन कैसे बना है? बहुत टेस्टी बना है, आपको तो पता ही है नाना कितना टेस्टी बनाते हैं, पता है ना? हाँ। तो फ्रेंड्स बहुत टेस्टी है, आप लोग एक बार जरूर
आइए मेरे घर और मेरे पापा के हाथ का ये मटन या फिर चिकन खाइए। नहीं खाने वाला भी खाने लग जाएगा, बहुत टेस्टी। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। और कैसे बना है, उनका सीक्रेट मसाला क्या है, ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में। रुक जाओ देखिए ये फ्रेंड है। तो मम्मी बाय बाय सुजी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। बाय बाय पापा, बहुत टेस्टी मीट बनाए थे आप। हाँ सही में, तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं फिर। कितना बज रहा है? 10 बजने वाले हैं। हाँ लगी ना, कुछ जरूरी नहीं अभी। हाँ चलिए बाबू, बाय बाय। अब अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, जैसे बाबू के हाथ में चोट लगा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनको चलाने के लिए ना, इस वजह से। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं घर में। यहाँ पे फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए, मतलब मेरे रूम के लिए। बाबू हम लोग को छोड़ के फिर आएंगे, फिर ये लोग वापस अपने घर जाएंगे। ये है सेलिब्रेशन मैरिज। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अपने घर पे, और लिटिल अभी नहीं आया है, मैं और चिनू आए हैं बस। लिटिल जय के साथ दोबारा आएंगे और तब उसको छोड़ के फिर ये लोग अपने घर जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।